बताइए कौन सा क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन फोर्थ का थी। क्वेश्चन फोर्थ का थी, वैल्यू पुट करनी थी, करेक्ट? ओके, वैल्यू पुट करनी थी। आपका फोर्थ का सी पार्ट है, किसी और को इसमें कोई प्रॉब्लम है? फोर से पहले मैम थर्ड में, थर्ड में है। चलो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, इसके बाद करते हैं। ओके, ए और बी में आपको वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू है -3, बी की है -5। तो 2 आपने यहाँ पर लिख दिया। ए की वैल्यू है -3 का होल स्क्वायर प्लस इसमें वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है आपकी -5, करेक्ट? इसको मैं बड़ा ब्रैकेट कर देती हूँ वरना सिमिलर हो जाएगा, ठीक है? +3 माइनस आपका ए है -3 और बी है -5। कोई दिक्कत? नो मैम, क्योंकि ये दोनों का माइनस साइन है इसीलिए मैंने वैल्यू पुट करी है तो ब्रैकेट बना दिया। कोई दिक्कत? ये चीजें आपको खुद समझनी है कि दोनों का माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे या कैसे होगा, ठीक है? वरना इसमें आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। तो 2 को तो भारी छोड़ दूंगी मैं। 3 की पावर 2 है, यानी -3 मल्टीप्लाई -3, तो माइनस से माइनस तो कट गया। 3 3 कितने हो गए? 9। प्लस देखो, ये माइनस से ये माइनस कट गया, 5 3 15, ठीक है? प्लस यहाँ पर 3 था, प्लस का 3 आ गया, ये बाहर माइनस ही है, माइनस से माइनस कट गया, 5 3 15। समझ गए? इतनी बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। आगे चल, अभी भी 2 अंदर है, बाहर देखो 15 प्लस 9। बोलो दिव्या। 24, ठीक है? प्लस का 3 यहाँ पर है, अब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे क्योंकि अंदर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ गया -15, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? Yes ma'am। ठीक है, अब देखो एक ब्रैकेट और बचा है हमारे पास, करेक्ट? सबसे पहले मैं ऊपर वाली लाइन इरेज कर देती हूँ, मेरे को जगह चाहिए, ठीक है? देखो ये वाला ब्रैकेट और बचा है तो इसके साथ ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि साइन कोई नहीं है इन दोनों के बीच में, क्योंकि साइन नहीं है। देखो जैसे यहाँ पर इस डिजिट और इस डिजिट के बीच में माइनस का साइन था, मगर यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। 24 2 48, ठीक है? +3 -15। अब आपको प्लस करना है पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग और फिर माइनस करना है, तो 48 में 3 प्लस हुए 43, 51 51 -15
हाँ जी बोलो क्या मिस पांच का है बोलो अनम्यूट कर लो भाई कुछ बोलोगे तो मेरे को समझ नहीं आएगा माइनस करके बताओ कितना है मैम 34 मैम 34 34 आया माइनस करना भूल गए हो मैम 36 11 में से 5 माइनस करोगे तो 6 आएगा सुनो 36 है इसका आंसर पीछे क्या आंसर आया मैम 36 ही आ रहा तो फिर कहां मिस्टेक हो गई थी यही ब्रैकेट में यस मैम ब्रैकेट को ध्यान से लगाना है भाई जब आप वैल्यू पुट करोगे तो कई सारी ऐसी डिजिट होंगी जो देखने में जैसे यहाँ पर ए बी था अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो -3 और -5 करोगे मगर बाहर का माइनस आप भूल गए और अगर यहाँ लगाओगे तो सिर्फ एक ही डिजिट के साथ कर पाओगे ठीक है तो ब्रैकेट को यहाँ पर लगाइए जब वैल्यू पुट करेंगे दोनों की ओके ओके आप बताइए सोनू कौन सी प्रॉब्लम थी भाई थर्ड क्वेश्चन इतना आसान -1 और -2 वैल्यू पुट करनी है चलो ठीक है 2x² + 2xy² + xy + 3 यही है x की जगह -1 लिखना है y की जगह -2 लिखना है जब तक ब्रैकेट बनाते जाओगे तब तक क्वेश्चन सही करते जाओगे वरना गलत करते जाओगे ठीक है ये वैल्यू पूरी हो गई अब देखो यहाँ साइन है और दो वैल्यू दी हुई है मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट लगाओ ताकि पहले इसको कर पाओ और फिर बाहर जाओ आप ठीक है समझ गए यस मैम ठीक है ठीक है अब एक एक डिजिट को उठाएंगे सबसे पहले इसको ब्रैकेट से बाहर निकालना है तो वन को -1 को आप दो बारी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस से माइनस तो कट गया दिख रहा है स्क्रीन पे जो मैं कॉर्नर पे कर रही हूँ ओके माइनस से माइनस कट गया 1 1 जार 1 -2 बच गया ठीक है तो इसको -2 क्योंकि दो साइन आ जाएंगे मल्टीप्लाई और माइनस तो ब्रैकेट में लिख दिया है कोई दिक्कत अब यहाँ पर आ जाते हैं 2 हो गया माइनस का 1 सिंगल है तो माइनस का 1 ही आएगा क्योंकि दो साइन साथ में नहीं आ सकते तो ब्रैकेट लगाओ -2 को दो बारी मल्टीप्लाई करो 2 2 = 4 और माइनस माइनस प्लस 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 का 4 प्लस माइनस से माइनस यहाँ कट गया 2 1 = 2 प्लस 3 समझ में आया यस मैम अब आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे सब में इक्वल टू जरूर लगाना है 2 2 = 4 -4 और -2 प्लस अच्छा अभी साइन तो लगा नहीं सकते ना 2 4 = 8 8 1 = 8 और माइनस का साइन लगा हुआ है माइनस यहाँ पर है प्लस यहाँ पर है माइनस प्लस माइनस माइनस फिर यहाँ पर आपको +2 दिया हुआ है +3 दिया हुआ है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप पहले प्लस कर सकते हैं फिर माइनस कर सकते हैं तो -4 को मैंने यही छोड़ दिया -8 को यही छोड़ दिया प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस ना लाइक प्लस 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 होता है ठीक है
माइनस प्लस प्लस माइनस ठीक है माइनस माइनस प्लस एट प्लस फोर माइनस फाइव माइनस प्लस माइनस माइनस क्या आएगा माइनस करके माइनस सेवन माइनस सेवन साइन बड़े वाले अब पीछे क्या आंसर आ रहा सिर्फ ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है बेटा आपका सारा क्वेश्चन सही होगा क्योंकि वैल्यू ही तो पुट करनी है और मल्टीप्लाई पे ध्यान देना है पावर के अकॉर्डिंग आपने मल्टीप्लाई किया है या नहीं माइनस के साइन ढंग से पुट किए या नहीं नेक्स्ट बताओ क्या प्रॉब्लम है मैम टेन और इलेवन में किसी को फाइव में भी प्रॉब्लम थी फाइव में मैम फाइव में करना हाँ जी सोनू पूछा फाइव में करना था हाँ जी सिक्स में कोई प्रॉब्लम सेवन में एट में नाइन से पहले किसी को कोई प्रॉब्लम रफ में जब भी हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा जब भी आपको मल्टीप्लाई करना आएगा तो रफ में आप मल्टीप्लाई करेंगे वरना फिफ्थ में करना मैम नाइन में नाइन क्वेश्चन का कौन सा पार्ट मैम सी माइनस थ्री वाई क्यूब माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई वाई की वैल्यू आपको पुट करनी है माइनस थ्री समझ गए अभी तक कोई दिक्कत सर वैल्यू पुट करिए कोई परेशानी किसी को माइनस थ्री तो यहाँ पहले से ही है थ्री को तीन बारी मल्टीप्लाई करना है यानी माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री 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 जर नाइन थ्री जर ट्वेंटी सेवन ये और ये माइनस आपस में कट गए एक माइनस बच गया तो मल्टीप्लाई में माइनस ट्वेंटी सेवन कोई दिक्कत कोई दिक्कत नो मैम यहाँ पर माइनस टू का माइनस टू उतारिये ब्रैकेट है थ्री टू को दो बारी मल्टीप्लाई करना है थ्री को दो बारी यहाँ पर जब किया था कितना क्या था थ्री थ्री सर नाइन और माइनस से माइनस कट गया था तो आएगा सिर्फ नाइन या फिर आप इसको मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं ठीक है प्लस माइनस 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 कोई दिक्कत माइनस माइनस कितना हुआ कट गया माइनस माइनस प्लस 27 को 3 से मल्टीप्लाई करके जल्दी आंसर बताओ 27 दिस मल्टीप्लाई हां जी इसके बाद 9 टू जर 18 साइन एक ही लगा हुआ है माइनस का तो माइनस ही करेंगे यहाँ पर भी माइनस थ्री है तो माइनस थ्री करेंगे अब चलो प्लस माइनस माइनस 81 में से 18 माइनस सेवन टेन में से सेवन सेवन में से वन यार 62 बेटा ये 10 नहीं बनेगा ये 1 है 11 बनेगा ये मैम 63 63 साइन बड़े वाले का प्लस है साइन यहाँ पर आ गया माइनस 3 तो आंसर कितना बन गया क्या
ब्रैकेट की प्रॉब्लम है, आगे कोई प्रॉब्लम में नहीं समझाऊंगी, पहले आप खुद से करके दोबारा देखेंगे, ठीक है? यस मैम। आपको पता चल गया सब में आपने यही प्रॉब्लम यही परेशानी कर रखी है, कहीं पर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, कहीं पे माइनस साइन नहीं लगाया, तो आपने उसको माइनस प्लस कर दिया मल्टीप्लाई की जगह, ठीक है? अब कौन सा क्वेश्चन बच गया? फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। यस मैम। सेकंड? यस मैम। थर्ड? यस मैम। फोर्थ? यस मैम। फिफ्थ? यस। सिक्स्थ? यस मैम। सेवेंथ? यस मैम। एट्थ? यस मैम। नाइन्थ? Yes ma'am. Tenth? Yes ma'am. Eleventh? Yes ma'am. Yes ma'am. आप मुझे पूछो कोई और प्रॉब्लम है? Eight क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? अच्छा eight क्वेश्चन समझाया था उसको? नहीं समझाया? मैम आप क्लास में नहीं थे क्या? आपको समझाया गया ये क्वेश्चन ten? Nine, eight, sorry. मैम eight क्वेश्चन भी इतना समझ में नहीं आया। Eight से समझ में नहीं आया? देख मैम बी वाला। वाह ए मैंने करा दिया था, बी वाला आपको समझ गया, बहुत बढ़िया। दिखाना जरा कहाँ किया विवेक? मैम हमने किया ही नहीं, मैं तो था ही नहीं क्लास में। हाँ हाँ तो बहुत अच्छी बात है, ये एक्सक्यूज है तुम्हारा कि मैं क्लास में नहीं था। तुम लोग को होमवर्क मिला है ना, और जब आप क्लास में नहीं होते तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है होमवर्क कलेक्ट करना, मैं थोड़ा घर घर जाके बताऊंगी तुमको। मैं तो क्लास में ही नहीं था, काम पूरा होना चाहिए, क्लास में आओ जमा करो। विवेक दिखाइए क्वेश्चन, विवेक जिसे आपने बी क्वेश्चन का किया जरा मेरे को दिखा दो। ये तो आपने कर लिया, ये तो मैंने करा था, बी क्वेश्चन दिखाइए। मैम बी वाला नहीं करा। करा ही नहीं है तो कैसे पता नहीं आया? करा ही नहीं तो कैसे पता चले भाई कि तुमको आ नहीं रहा? दिव्या क्लास से बाहर निकाल दो। नो मैम। है दिव्या? हाँ जी विवेक, कैसे पता चला आपको कि आया नहीं है? आपने क्वेश्चन तो ट्राई भी नहीं किया, ट्राई करके आइए पहले क्वेश्चन, उसके बाद प्रॉब्लम्स ली जाएंगी। यस मैम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 5.4 पर। थर्ड में तो ऊपर है, बस ऊपर चलो।
अच्छा ऐसा करते हैं 5.4 कल करेंगे, क्योंकि आपको मेरे को इसमें आपको मैथस्टिक का रूल समझाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, या फिर हम ये एक्सरसाइज छोड़ ही देंगे, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैथस्टिक वाली एक्सरसाइज है, रफ एक्सरसाइज है, पेपर में भी नहीं आएगी। ठीक है 5.3 को कट कर दो, 4 को कट कर दीजिए, आपको मैथस्टिक का रूल दिया हुआ है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैथस्टिक से बनाओ, नहीं करना है, कट कर दो पेंसिल से, 5.4 नहीं करनी है, और मल्टीपल चॉइस पर आ जाइए। मल्टीपल चॉइस आप बुक में करेंगे और मेंटल मैथ्स करेंगे नोटबुक में खुद से मेंटल मैथ्स, और आज आप 1 बजे से पहले स्कूल में सबमिट करके जाएंगे, समझ गए? यस मैम। मैम कौन सी कॉपी? बेटा किस चीज की क्लास चल रही है? ठीक है समझ गए, मेंटल मैथ्स को आप नोटबुक में करेंगे और उसके बाद नोटबुक सबमिट करके जाएंगे, सारे नोट्स सारे क्वेश्चन प्रॉपरली आपकी नोटबुक में होने चाहिए, कल हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सिंपल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 6 ठीक है? Yes, ma'am. आपका होमवर्क यही है 5.3 तक फिनिश करना है और साथ में करनी है मेंटल मैथ्स। ठीक है? Yes, ma'am. Okay, bye then.